बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का संस्कृत अध्याय 7 संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है संख्या, गिनती। जो आप हिंदी में पढ़ते हो 1 2 3 4, इंग्लिश में पढ़ते हो 1 2 3, उसको हम संस्कृत के अंदर पढ़ेंगे। संस्कृत के अंदर भी क्या होती है? संख्या। तो आपको यहाँ पर दुकान दिखाई दे रही है, ये दुकान किसकी है? फलों की दुकान है। ये कौन है? दुकानदार है। ये दो बच्चे हैं, सुरेश और रमेश। वो क्या करते हैं? बाजार में इन फलों की दुकान पर आते हैं और वहाँ पूछते हैं कि किस फल का कितना मूल्य है, मतलब उनकी कीमत क्या है। और किस में पूछते हैं? संस्कृत में। आया समझ में? तो इस अध्याय में हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। सुरेश, अहो रमेश कुत्र गच्छति? सुरेश रमेश से कहता है, अहो रमेश, अरे रमेश कुत्र गच्छति, कहाँ जा रहे हो? कुत्र का मतलब क्या होता है? कहाँ। कुत्र का मतलब क्या होता है? कहाँ। गच्छति मतलब जाना। कहाँ जा रहे हो? रमेश, आपणम गच्छामि। ये क्या बोल रहा है? आपणम, आपणम मतलब बाजार। आपणम का मतलब क्या होता है? बाजार। अब देखो, गच्छति और गच्छामि, लट लकार और इसे लकारों के अलग अलग। मैं बाजार जा रहा हूँ, आपणम गच्छामि, बाजार जा रहा हूँ। सुरेश, अहम अपि आगच्छामि। आगच्छामि, देखो अब इसमें गच्छामि था, इसमें आगच्छामि। आगच्छामि का मतलब होता है तुम्हारे साथ। अहम अपि आगच्छामि, मैं, अपि मतलब तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। अहम अपि आगच्छामि। रमेश, भवान किम क्रेतुम इच्छति? हाँ, क्यों नहीं, किम क्रेतुम इच्छति, तुम क्या खरीदने के इच्छुक हो? क्रेतुम मतलब खरीदना, इच्छुक मतलब इच्छा रखते हो, इच्छति मतलब इच्छा। सुरेश, अहम फलानि क्रेतुम इच्छामि। मेरे को क्या करना है? फल लेने हैं। मैं फल खरीदने की इच्छा रखता हूँ, मैं फल खरीदना चाहता हूँ। फलानी मतलब फल, क्रेतुम मतलब खरीदना, अहम मतलब मैं। रमेश, पश्यतु तत्रे फल विपणी अस्ति, चलतु। पश्यतु मतलब देखना, पश्यतु का मतलब क्या होता है? देखा। तत्रे मतलब वहाँ, तत्रे मतलब वहाँ। फल विपणी, फल विपणी मतलब फलों की दुकान। फल विपणी का मतलब क्या होता है? फलों की दुकान। अस्ति मतलब है, देखो वहाँ पर एक फल की दुकान है। चलतु मतलब चलते हैं। कहाँ चलते हैं? फलों की दुकान पर। सुरेश, पंचमाया विपण्यानी पकानी फलानी संति। अब मुझे क्या चाहिए? कितने फल चाहिए? पाँच। पंचमिया मतलब पाँच। विपण्यानी, विपण्यानी मतलब मेरे को दुकान पर, उस दुकान पर दुकानदार को बोलते हैं। पकानी फलानी संति, मुझे पाँच पके हुए फल चाहिए। ऐसे फल चाहिए जो क्या हो? पके हुए हो। रमेश, भद्र आम फलानी क्रियत मूल्यम? भाई, भद्र मतलब का मतलब क्या होता है? महोदय या भाई या महाशय। आम फलानी कियत मूल्य, कियत का मतलब होता है कितना, मूल्य मतलब कीमत। कियत का मतलब क्या होता है? कितना। मूल्य का मतलब होता है कीमत। आम के फलों की क्या कीमत है? आपके मम्मी पापा बाजार जाते हैं तो वो भी कीमत पूछते हैं, तो वो पूछते हैं कि आम के फलों की क्या कीमत है। फल विक्रेता, जो दुकानदार होता है जो फलों को बेचता है, वो बोलता है 50 रुपये काणी 10 फलानी। 50, 50 मतलब क्या होता है? 50। 50 रुपये काणी मतलब रुपए के 10, 10 मतलब 10 फल, 50 रुपये के 10 फल। रमेश, द्वादश कदली फल का नाम। तो द्वादश मतलब 12 फल कितने के होंगे? 12 फल कितने के होंगे? तो फल विक्रेता बोलता है 16 रुपये काणी। 16 रुपये काणी मतलब कितने? देखो कदली का मतलब होता है केला, तो 12 केले कितने के होंगे? फल द्वादश, द्वादश मतलब 12 बेटा। देखो द्वादश का मतलब क्या होता है? द्वादश का मतलब 12, कदली का मतलब होता है केला फलानी। तो 12 केले के फल कितने के? तो फल विक्रेता बोलता है 16 रुपये काणी। 16 का मतलब क्या होता है? 16 रुपये। कितना? 16 रुपये। 16 मतलब 16 रुपये के। रमेश, चतुर्नाम नारंगी फलानाम। अब मुझे क्या चाहिए? नारंगी के फल चाहिए, तो वह कितने के होंगे? तो फल विक्रेता बोलते हैं 20 रुपये काणी मतलब 20 रुपये के। कितने के होंगे? 20 रुपये के। तो आपको समझ में आया, नारंगी फलम मतलब क्या होता है? संतरा। तो संतरे कितने के हैं? 20 रुपये के। सुरेश, तही महम 30 कदली फलानी ददातु। तुम मुझे मतलब आप मुझे 30 मतलब 30, 30 कदली फलानी ददातु। तो आप मुझे कितने फल दे दीजिए? 30 केले के फल दे दीजिए। कौन बोलता है? सुरेश दुकानदार को बोलता है कि आप मुझे कितने दे दीजिए? केले के फल दे दीजिए। कितने दे दीजिए? 30।
रमेश, महम द्वादश नारंगी नारंगिक फलानी ददातु, और मुझे द्वादश मतलब 12 नारंगी के फल दे दीजिए। और मुझे क्या दे दीजिए, कितने, 12 नारंगी के फल दे दीजिए। सुरेश, कियत मूल्य, अब इसका कितना मूल्य हुआ है, तो कदली फलानी, कदली फलानी बोलते हैं, चत्वारिशः नारंगी फलानी च षष्ठीः। अब इसको देखिए आप, कदली फलानी मतलब केले के कितने होते हैं और नारंगी के कितने होते हैं। फल विक्रेता बोलता है केले के 44 मतलब 40 रुपये, कितने, 40 रुपये, और नारंगी के कितने रुपये हो गए, 60 रुपये। रमेश, शत रूपकाणी स्वीकृतु, शत मतलब क्या होता है, 100, शत मतलब 100, क्यों, 60 और 40 कितने होते हैं, 100, तो शत रूपकाणी स्वीकृति, स्वीकृति मतलब ले लीजिए, स्वीकार कीजिए। फल विक्रेता बोलते हैं भवतु मतलब भले, अच्छा है, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अब आपको दिखा, द्वादश मतलब 12, पंचाशत 50, फिर पंचाभ्या मतलब 5, द्वादशी 12, षोडश मतलब 16, ठीक है, चत्वारिशत 40, और सृष्टि मतलब 60, शतरूपकाणी मतलब 100। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग हमने संख्या के बारे के अंदर देखा। देखो जैसे यहाँ पर है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक से लेके आपके 50 तक की संख्या है, जैसे एक को एकम, दो को द्वे, तीन को त्रिणी, चार को चतवारी, पाँच को पंच, छः को षट, सात को सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नम, दस को दशति, फिर ऐसे देखो एकादश और ये विंशति, त्रिदश, पंचादश, चत्वारिशत, पंचादश, षष्ठी, ये सब बोलते हैं, तो ये आपको सातवीं कक्षा के अंदर गिनती मिल जाएगी। तो हमने अभी क्या देखा, फल विक्रेता को देखा, और सुरेश और रमेश ने उनको कितने रुपए दिए, 100 रुपये। उन्होंने क्या खरीदा था, कदली फलानी और नारंगी फलानी। थैंक यू स्टूडेंट।